थाना कुतुबशहर पुलिस ने लूट व हत्या के प्रयास की घटना को अंजाम देने वाले तीन छाती रेबुक्तों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से लूटे गए रुपए, अवैध असलाह, मोबाइल फोन, चाकू व मोटरसाइकिल बरामद की गई। आज पुलिस लाइन स्थित सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज थाना कुतुबशहर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि पशुपेट उनाली नकुड़ रोड में बनी कोठरी के पास तीन संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए, जिनके पास अवैध असला भी है। सूचना पर कुतुबशहर पुलिस जैसे ही पशुपेट उनाली के पास पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस टीम को अपने नजदीक आता देख पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा घेर कर तीनों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तीनों बदमाश शमीम अली पुत्र वकील अली निवासी गांव केलनपुर थाना सिविल लाइन रुड़की जिला हरिद्वार उत्तराखंड, आरिफ अली पुत्र आबिद अली निवासी गांव केलनपुर थाना सिविल लाइन रुड़की, ताहिर पुत्र इरशाद निवासी गांव केलनपुर थाना सिविल लाइन रुड़की जिला हरिद्वार के रूप में हुई। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से 20,000 रुपए, एक चैन, चार मोबाइल फोन एवं घटना में प्रयुक्त दो पिस्टल, दो जिंदा एक खोखा कारतूस, एक चाकू व एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर बरामद हुई। ये दिनांक 25 तारीख को ये घटना हुई थी, जिसमें देखा जा रहा था कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ जो असला युक्त जो युवक हैं वो हाजी महुआ के आवास में घुसे हैं, वहाँ पर उसे जान से मारने का प्रयास किया गया और लूटपाट की गई है। वो पूरी घटना उस सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई थी। उसी पे मुकदमा पंजीकृत कराया गया था कुतुबशहर थाने में सुसंगत धाराओं में। उसके बाद से ही टीम इसमें पूरी तरह से लग गई थी। इन जो शूटर्स हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किया था उनको ट्रेस करने के लिए, जब उनको ट्रेस किया गया तो ये कल्लनपुर जो गांव है रुड़की में, वहाँ के ये तीनों लड़के हैं। इनका नाम शमीम, ताहिर और आरिफ है। इनके बारे में पुलिस को पता चल गया था और आज सुबह जब कुतुबशहर पुलिस मुखबिर की सूचना पे इनकी घात लगाए बैठी थी तो इनके साथ एक पुलिस मुठभेड़ हुई है वहाँ पर, और जिस मुठभेड़ के दौरान ये पकड़े गए हैं। इनके पास से अवैध असले बरामद हुए, पिस्टल बरामद हुई हैं, और जब इनसे पूछताछ की गई थी कड़ाई से तो ये बात पता चली है कि इसमें जो शमीम है, शमीम का जो टच है वो आरती से है, आरती किन्नर ग्रुप में ही है इनके, और जो हाजी महुआ है उसका जो राइवल ग्रुप है पूजा ग्रुप उसी के ग्रुप में रहती है, और उसी के द्वारा पूरी प्लानिंग करी गई थी। उसके आरती द्वारा पूरा षड्यंत्र रचा गया था जिसमें 5 लाख रुपये देकर ये पूरी घटना कारित करवानी थी इनको। अभी इसमें आरती और पूजा दो वांछित हैं हमारे, और बाकी ये तीनों लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इनको आज पुलिस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करके इनकी रिमांड ले रही है। विवाद क्या सामने है, क्या बंटवारे का कोई विवाद है, और जो 5 लाख रुपए देने तय हुए थे क्या उसमें कोई रकम गई भी थी इनके शूटर के पास? जी नहीं, 5 लाख रुपए जो तय हुए थे उसमें से अभी कोई रकम दी नहीं गई थी। घटना के करने के बाद देना तय हुआ था इनका, और हमें कुछ ऐसी इन दोनों के बीच में चैट सी मिली है आरती और शरण के बीच में, जिसमें उसके फोटोज भी एक्सचेंज हुए हैं हाजी महुआ के, और उसके जो घर की लोकेशन है वो भी बताई गई है उसमें। जो मेन विवाद है वो क्षेत्र के बंटवारे को लेकर है, वो काफ़ी दिनों से इन दोनों ग्रुप्स में चल रहा है, उसी को लेकर ये घटना कारित करी गई है। सर, हथियार कहाँ से इन्होंने खरीदे, क्या कुछ जानकारी इस तरह की? जब ये शमीम और इन बाकी अभियुक्तगणों से बातचीत हुई है तो बताया गया है कि इनका एक दोस्त था फरमान, जिनसे ही इनके पास जो मोटरसाइकिल है वो जो बरामद हुई है वो बताई जा रही है चोरी की है, उत्तराखंड में चोरी हुई है, उसका भी हम रिकॉर्ड दिखवा रहे हैं, और उन्हीं से इन्होंने असला खरीदा था। फरमान अभी किसी एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई है और उसी लाइन पे हम काफी काम कर रहे हैं। राजीव महुआ के द्वारा बताया गया था कि 1 से 1.5 लाख रुपए की लूट हुई है, लेकिन 25,000 रुपए की लूट थी क्या? जी हाँ, इसमें जब वादी साहब ने दोबारा से बयान लिए हैं कल, तो उनके द्वारा ये माना गया है कि जितना भी पैसा गया था वो उतना ही पैसा गया था, इतनी ही ज्वेलरी गई थी, बाकी उनको ऐसा लगा कि वो पैसा चला गया है लेकिन उनके पास वो मिल गया था कल।